पेन है ना, मतलब इसमें तो मुझे बहुत हंसी आती है, ये बहुत मतलब लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया है जैसे पता नहीं क्यों सर्जरी कर रही हूँ मैं। मुझे काम करने के लिए डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, मैं बहुत प्रिपेयर रहती हूँ। आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो बट वहाँ पे फिजिकल एग्जाम्स होती है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको पूरा स्कैन किया जाता है, आपके बॉडी पर टैटूज नहीं होना चाहिए, आईलिड्स के ऊपर भी टैटू बनवा रहे होते हैं, ऑन द टंग, इवन इनसाइड द माउथ। या मैंने बनाए भी है काफी सारे आईबॉल्स के ऊपर। यस, वो जो व्हाइट वाला जो है ना हमारा पार्ट, उसको ब्लैक करते हैं, ब्लू करते हैं, पिंक करते हैं, जो हिंदुइज्म ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग टैटू का नाम गोदना था। टैटू बहुत पुराना ट्रेडिशन है, आपने देखा होगा ना काफी सारी आंटियां जो बहुत पुरानी पुरानी, इवन मेरे खुद की नानी, उनकी बॉडी पे तो इतने टैटूस थे, मेरी बॉडी पे है भी नहीं। हमारे डिजाइन्स में जो इतनी फिनिशिंग होती है, सारी चीजें होती है, वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है कि हम डिजाइन को रिक्रिएट करते हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते। वेलकम बैक। कहानियां, स्टोरीज, स्टोरीज इन बुक्स, स्टोरीज इन स्टोन्स, स्टोरीज इन हार्ट्स, स्टोरीज विद इंक ऑन द स्किन। अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, टैटूज। पर्सनली आई बिलीव दैट टैटू इज नॉट समथिंग विच एनकरेजेस मी। आई एम नॉट अ पर्सन हु बिलीव्स इन दिस आर्ट ऑफ टैटू। तो आज का जो सेशन है इट्स फुल ऑफ डिलेमास, इफ्स, बट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। सो जस्ट टू क्लियर देम अराउंड, वी हैव द फेमस टैटू आर्टिस्ट मिस अंजलि राठौर, पॉपुलरली नोन एज इंदौर की अनु। सो लेट्स सी कि ये सीसॉ वाला सेशन क्या लेकर आने वाला है स्पेशली फॉर मी। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। वेलकम टू द शो अंजलि। थैंक यू सुप्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं, आप कैसे? मैं अच्छी हूँ, मतलब लाइक व्हेन आई केम टू नो दैट वी हैव द टैटू आर्टिस्ट इन द शो, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया दैट हाउ विल गो, बिकॉज टैटू में जो पीछे ओ ओ आ रहा है ना, तो समझ लो मैं बिल्कुल ओ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है टैटू का। और मैं और टैटू जितना दूर रह सकते हैं मैं उतना दूर रहना चाहूंगी। नहीं, मैं आपको पास लेकर आऊंगी। बट वन थिंग कन्विंस करूंगी आपको। वन थिंग आई अप्रिशिएट इज दैट टुडे इन आवर शो वी हैव द फर्स्ट, खुश हूं। यस यस, आई एम हैप्पी आल्सो दैट वी हैव द फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और मतलब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आपने स्टेप इन करा, एंड इट्स नॉट जस्ट टुडे, सालों पहले जब ये ट्रेंड में भी नहीं था, तब आपने बोला कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना क्रिटिसिज्म, कितने चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे, बहुत सारे, बट यू कंटिन्यूड योर जर्नी। यस, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिस वाज, यू नो, जो बोलते हैं ना, एक फोर्सिंग, एक मोटिवेशनल ड्राइव, जो फोर्स होता है वो यही था कि लाइक यू आर व्हाट यू वांटेड टू बी। या, इजंट इट, एंड एक्चुअली आई एम सक्सेसफुल इन माई करियर। हाँ, वो दिख रहा है आपकी खुशी से, मुझे दिख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये सबसे पहली तो आजकल की जनरेशन ऐसा ना, उनको उनकी चॉइस की जॉब मिलनी चाहिए। ओके, तो मैं ऑलरेडी इसमें हूँ, मुझे मेरी पसंद की ही जॉब मिली है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। राइट राइट, तो अगर हम आपके टैटू जर्नी की बात करते हैं, तो मैं जस्ट सोच रही थी कि कितने टैटू बनाए होंगे। आई वॉज डिस्कसिंग इवन विद माई डॉटर एंड ऑल, तो हम बोल रहे थे 8,000, 5,000, मैं ऐसे choices दे रही थी, मतलब we were playing podcast, जिस अभी जब आप आए ना, उससे पहले हम दोनों खेल रहे थे। मैंने school में practice कर लिए थे। तो आपने कितने बना लिए आज तक? About 1.5 lakh। अच्छा, मतलब काफी सारे clients हैं। 1.5 lakh से ऊपर tattoos मैंने बना दिए अब तक। और कितने साल हो गए आपको? मैंने ये start किया था when I was in 7th standard, और जब मैंने टैटू स्कूल ज्वाइन किया था, उसके बाद 2 years मैंने खूब सारी प्रैक्टिस की स्कूलिंग टाइम पे, और 9th standard में मैंने टैटू स्टूडियो ओपन कर लिया मेरे स्कूल के जस्ट पास। तो मतलब आप
सुई और वो सब लेकर के आप रेडी थे टू पियर्स द स्किन. हैट्स ऑफ टू यू. और जब आप क्लास नाइन्थ में थे, मतलब क्लास नाइन्थ का बच्चा होता है हार्डली 13 इयर्स ओल्ड, 13 14 मैक्सिमम. हाँ, तो लोग आ रहे थे आपके पास. हाँ, मुझे मतलब देख के तो सबसे पहले डरते थे यार, ये बच्ची हमारे टैटू बनाएगी. तो मुझे ना उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग लगता था ये चीजें. मुझे ऐसा लगता था यार, पता नहीं क्यों इंडिया में एज को देखकर चीजें जज की जाती कि ये छोटी बच्ची है तो ये कर लेगी. नहीं भाई, आजकल के छोटे बच्चे बहुत कमा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतना कमा रहे. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं काफी छोटी थी, तो मेरे फेस को देख के हाँ सब मुझे जज करते थे, यार ये तो बहुत छोटी है, पता नहीं हमारा काम करेगी. बट जब एक बार करा लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे, फिर वो कहीं नहीं जाते थे. तो हमेशा आपके पास ही आते थे? मेरे पास ही आते थे हर स्टाइल के लिए एंड ऑल दैट. यस. ओके, तो कितने साल हो गए ऑलमोस्ट, लाइक आपने क्लास नाइन्थ से ये शुरू कर दिया था. तो अब कितने साल हो चुके मुझे? ऑलमोस्ट 15 इयर्स प्लस हो चुके. ओके, 15 इयर्स प्लस. तो यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली स्किल्ड. सबसे पहला थॉट एक होता है ना, बोन चिलिंग थॉट, स्पाइन चिलिंग थॉट होता है कि यार वो थॉट आती है, आपको लगता है कि मैं कर लूँ. वो एक पहला थॉट क्या आया आपके दिमाग में कि यार दिस इज फॉर मी, टैटू इज फॉर मी? हाँ, मतलब पहले तो मैं वही स्केचिंग, ड्राइंग, जो स्कूल में एक्टिविटीज होती थी ना सारी, जो भी एक्टिविटीज होती थी, तो उसमें हम लोग कैसे मेहंदी में पार्टी, मतलब पार्ट लेते थे, डिजाइन करते थे. तो मुझे ऐसा कुछ मजा नहीं आता था ये सब काम करने में कि मैं पढ़ लूँ या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूँ. मुझे मजा ही नहीं आता था पढ़ाई लिखाई में. बट मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, मैं उस टाइम पे पढ़ाई में भी अच्छी थी. फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुंबई से है, तो वहाँ पे ये कल्चर ऑलरेडी था क्योंकि वो बहुत अपग्रेडेड सिटी है. तो हम लोग ऐसे वेकेशन पे जाते थे वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी जगह ये देखी थी ये चीज़ें उस टाइम पे कि ये टैटू जैसी भी कोई चीज़ होती है. तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मैं अपनी चीज़ों को उसमें कन्वर्ट कर लूँ, मैं अपने स्केच को एज अ टैटू मैं कन्वर्ट कर लूँ. तो इसी चीज़ को लेके मेरे दिमाग में बहुत क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे यही करना है, अब मुझे यही स्कूल ज्वाइन करना है और मुझे यही करना है आगे लाइफ में. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट टैटू, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बताओ कि व्हाट इज टैटू ऑल अबाउट, इसका हिस्ट्री थोड़ा सा, या मतलब सपोज लाइक एक कस्टमर आपके पास में आ रहा है एंटी टैटू, मेरे टाइप, वो चेयर पे बैठ तो गया बेचारा किसी ना किसी प्रेशर की वजह से कि बनवा लो यार, हाँ सब बनवा रहे हैं. हाँ, तो आप कैसे उनको कन्विंस कर पाते हो, मतलब कैसे करते हो आप? सबसे पहले तो मैं एक ही चीज पूछूंगी कि आप टैटू क्यों बनवा रहे हो. आप बोलोगे ना मेरे फ्रेंड ने बनाया तो ही मैं प्रेशर, प्योर प्रेशर. हाँ, किस चीज का प्रेशर है आपको, मतलब किस आपको किसी चीज को डेडिकेट करना है, या आपका कोई कॉन्सेप्ट है या कोई थीम है, किसी पंडित जी ने भेजा है? क्योंकि ऐसे भी क्लाइंट है मेरे पास में, सीधा बोलते हैं अरे हमारे पंडित जी ने बोला है कि हथेली पे 36 नंबर लिखवा लो तो इससे इतना इतना इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाए. ये भी टैटूज मैंने की है. अच्छा, ये हाँ, मैं पहली बार सुन रही हूँ. हाँ, ये होता है. आपको पता है काफी सारे पंडित जी जो है, काफी सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स है, वो बहुत बिलीव करते हैं इन सब चीजों पे. तो वो भेजते हैं कि नहीं आप ये नंबर लिखवा लो, फिर आपका काम हो जाएगा, फिर आप इसके ऊपर ओवरलैप करवा लेना, दूसरा टैटू बनवा लेना, मतलब टैटू के ऊपर दूसरा टैटू, कवर अप टैटू, जिसे कवर अप टैटू बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में. तो ये सब चीजें भी होती है. तो सबसे पहली चीज हम क्लाइंट का कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है. तो जैसे आप मुझे बोलोगे ना कि मुझे अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना है, या मुझे अपनी डॉटर के लिए कुछ बनाना है, देन फिर मैं आपके लिए डिजाइन करूंगी. अच्छा, दिस इज हाउ यू गो, मतलब पहले आप जान लेते हो कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है. यस, राइट. टैटूज लाइफ लेसन है या रिग्रेट हो जाते हैं? डिपेंड करता है आप डिजाइन क्या ले रहे हो. अगर आपने ऐसा ले लिया, देखो कोई भी जिंदगी में परमानेंट नहीं है, सिर्फ टैटू परमानेंट है. आप किसी का नाम लिखवा रहे हो ना तो वो चला जाएगा, लेकिन टैटू रह जाएगा. ओके, सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सोच समझ के टैटू बनवाइए. अगर आप कुछ बना रहे हैं ना, तो वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि किसी और से. हर चीज परमानेंट नहीं होती है लाइफ में, बट टैटूज आर परमानेंट. तो हम लोग इसी चीज को लेकर, काफी सारी चीजों को लेकर हम स्टडी करते हैं, और क्लाइंट्स को भी बोलते हैं कि आप लोग स्टडी करिए. तो सुप्रिया, मैं भी आपको यही बोलूंगी कि पहले आप स्टडी करो, देन फिर आप टैटू कराओ. टैटू कराओ, राइट. जैसे अभी आपने बोला ना कि दिस इज समथिंग परमानेंट, राइट. क्योंकि अगर आपने कुछ गलत डिसीजन में आके, किसी प्रेशर में आकर के गलत टैटू बनवा लिया, तो ऐसा भी होता है ना कि लाइक उस टैटू को आप रिमूव करवाइए एंड देन यू गेट अ न्यू वन.
बट वो शायद पूरा नहीं हटता है. उसके लिए ना काफी ज्यादा पेशेंस लगता है उसको हटाने के लिए. जैसे आपने एक छोटा सा टैटू बनाया है तो उसके सेशंस होते हैं, आपको एवरी मंथ एक सेशन लेना होता है, 8-10 सेशन के ऊपर चले जाते हैं, मतलब 1 ईयर लग जाता है वो टैटू निकलने के लिए. उसमें भी वो पूरी तरीके से नहीं हटता है, थोड़े से उसके स्कार रह जाते हैं. तो फिर उसको हम पूरा छुपाने के लिए या तो लाइटनिंग क्रीम्स देते हैं या फिर हम लोग उसके ऊपर कोई दूसरा टैटू सजेस्ट करते हैं. तो क्या रेशियो रहता है कि कितने लोग आते हैं कि यार गलत बन गया ये ये मेरे बॉयफ्रेंड का नाम, इट नीड्स टू बी चेंज्ड नाउ. ये रोज होता है. सीरियसली? रोज होता है, ये रोज होता है. हम पता है हमको सीरियसली देखते हैं कि सच में ये परमानेंट है. तो पहले तो वो हमें दिखते यार ये मैम शी इज वेरी फ्रैंक. फिर उसके बाद में बोलते यार मैं फ्रैंक भी हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैं रोज देखती हूँ. बट कुछ कुछ समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो तो आप साइज छोटा कर दो ताकि वो हिडन हो जाए, ज्यादा विजिबल ना हो. और अगर इसको कवर अप करने की मतलब इसको हटाने की नौबत भी आए ना तो हम इसके ऊपर कोई फ्लावर्स बना दे या बटरफ्लाई बना देंगे तो वो हट जाएगा. अच्छा, तो वो मतलब इस परसेप्शन के साथ वो आपके पास आते हैं कि हाँ. हमको कल हटाना पड़ा. हाँ. So this is what, मतलब alternative लेकर आते हैं वो. Alternative लेकर आते हैं या हम दे देते हैं. This is world. हाँ. चलिए. हाँ, तो इसमें पता है क्या होता है ना कि कोई टैटू अगर आप ले भी रहे हैं ना तो सोच समझ के लीजिए, नाम तो बिल्कुल नहीं. पेरेंट्स का रिवाज रखते हैं. एग्जैक्टली. exactly, मतलब वो एक ही होते, वो चेंज नहीं होते. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. और वो शायद हार्डली होगा कोई जो लिखवाता होगा. हाँ. है ना, रेशियो बहुत कम होगा उनका. हाँ, बहुत कम है, बट ठीक है. राइट. सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट टैटूज अगेन, टैटू इज वेरी ट्रेंडी. मतलब आजकल ना ऐसा एक मतलब हम लोग बहुत जजमेंटल हैं इस चीज़ में. हम ये मानते हैं कि अगर आपने टैटू बनवाया है आप बड़े कूल हो, बड़े स्टाइलिश हो, है ना, यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड. तो इज इट सो, वाकई में ऐसा है क्या? ट्रेंड व्रेंड वाली मैं आपको इस चीज में तो थोड़ा सा इंक्रप्ट करूंगी क्योंकि ट्रेंड व्रेंड जैसा टैटू में कुछ नहीं होता है. टैटू बहुत मीनिंगफुल होता है, टैटू बहुत सोच समझ के बनाने होते हैं. ऐसा थोड़ी होता है अरे मेरे फ्रेंड ने ना ये वाला टैटू बना लिया है तो मैं भी उसको देख के ये वाला टैटू बना लूं. नहीं, वो उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसने बनाया है. ठीक है, वो उसके ऊपर सूट कर रहा है. लेकिन आप उससे अलग हो ना, आप अलग इंसान हो तो आपके लिए डिजाइन अलग होने चाहिए. टैटू के बहुत मीनिंग होते हैं और टैटू अपने आप में बहुत पावरफुल है. वो आप पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालता है. तो आपको बहुत सोच समझ के बनाना है. टैटू में ट्रेंड जैसा कुछ नहीं होता है, जो हमसे रिलेटेड है वही ट्रेंड है. अभी वरुण धवन कुछ टैटू बना के मूवी में आ गया, उसका टेम्परेरी है ना, आपने देख के उसका परमानेंट बना लिया. ठीक है, बट आपने ये नहीं देखा वो मूवी है, उसने टेम्परेरी बनाया है, उसका परमानेंट नहीं है. तो वो ट्रेंड नहीं है, वो जस्ट एक शो ऑफ के लिए ताकि वो मूवीज में अच्छा दिखे, इसलिए उसने बनाया है. right, तो टैटू का मतलब ये नहीं होता है कि टैटू ट्रेंड में है तो बना लो. टैटू ट्रेंड में है लेकिन हमसे रिलेटेड है, हमसे कुछ भी रिलेटेड होना चाहिए. मुझे पसंद होना चाहिए, मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए, वो ट्रेंड होता है. राइट. सो टैटू इज अबाउट ब्यूटी क्योंकि वो एक आर्ट है और टैटू बहुत पुराना है. बहुत काफी Isn't काफी इयर्स. मतलब इफ आई नो जितनी पुरानी अपनी सिविलाइजेशंस है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप ले लीजिए, इट्स नियरली मोर देन 5000 इयर्स ओल्ड. यस. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टैटू है इट इज एज ओल्ड एज मोर देन 5000 इयर्स अगो. बहुत साल. मतलब इसके रिलीजन से रिलेटेड भी रहता है टैटू. yes. टैटू आपका डेडिकेशन और लॉयल्टी भी दिखाता है. yes. जो आज की दुनिया में तो है नहीं. है ना, इसीलिए हम बार बार नए टैटू और छिपाते हैं. सिंबल्स बना के ना अपनी लॉयल्टी और अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते कि देखो मेरे टैटू. हाँ, राइट. ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ. एग्जैक्टली. मैंने कहीं पढ़ा भी था कि मतलब कि कुछ लोग शुरू में मतलब टैटू यूज करते थे फॉर दैट एक्वाप्रेशर वाली जो चीज होती है. हाँ, मतलब कुछ उसका हीलिंग इफेक्ट्स रहते हैं. यस, टैटू जो होता है ना एक तरीके का थेरेपी होता है. टैटू का मतलब ये नहीं है कि अरे बना लिया तो टैटू सभी बोलते हैं. पहले के टाइम पे इसको गोदना बोलते थे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में. तो टैटू बहुत पुराना ट्रेडिशन है. आपने देखा होगा ना काफी सारी आंटिया जो बहुत पुरानी पुरानी, इवन मेरी खुद की नानी, उनकी बॉडी पे तो इतने टैटूज थे, मेरी बॉडी पे है भी नहीं अभी. आपकी नानी? हाँ, उनके यहाँ पे पूरा ऐसे गले पे पूरा हार बना हुआ है, पूरा ऐसे प्रॉपर
उनके पायल बनी हुई है, उनके पूरे हाथ में इस टाइप के माओरी डिजाइन बने हुए हैं। उनको देख देख के मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या है। तो उस टाइम पे वो पोक टैटूज, आपको पता है अभी तो काफी मशीन्स हो गई है, चीजें हो गई है, मतलब पेनलेस होता है अब। हाँ, इतना ज्यादा पेन नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई। पहले ऐसे पोक कर करके टैटूज बनाते थे तो उसको गोदना बोलते थे। वो टैटूज अभी हो गया है लेकिन पहले गोदना जो हिंदुइज्म ट्रेडिशन है ना, उसके अकॉर्डिंग टैटू का नाम गोदना था। नहीं, मैंने इनफैक्ट ये भी सुना है कि ये होता था, एक कल्चर बोलिए, रिचुअल बोलिए, कि शादी से पहले आपको टैटू बनवाना ही बनवाना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मैरिड। मतलब लिटरली मैंने ये चीजें सुनी हुई है, मतलब वो छोटा सा ओम लिखवा लेंगे या कुछ लिखवा लेंगे। ओम जो सिंबल है ना, वही तो हिंदुओं की जान है कि ओम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के इसमें, जो छोटे कस्बे टाबू गाँव के जो लोग होते हैं ना, उनके इसमें ओम बना हुआ होता है। सबसे पहला टैटू ओम ही होता है। और वो तो बचपन में तो छोटा सा बनता था, फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाता था बड़ा होके, जब हमारी बॉडी ग्रो करती थी। इसीलिए अभी हाँ एक चीज मैं इसी चीज पे बोलूंगी कि हम लोग अभी जो है ना, एक एज ग्रुप डिसाइडेड है हम लोगों का। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, 2-3 साल के बच्चों को ऐसा गोदना कर देते थे, बट अभी हम लोग मना करते हैं कि 18 के बाद ही आपको टैटूज बनाने, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो करती है। ओके, तो उसके साथ में क्या होता है ना, मसल्स गेन होते हैं, वो फेड आउट सा हो जाता है। हाँ, तो वो हम बना कहीं और रहे और वो धीरे धीरे चला कहीं और जाता है। और अभी की एक और चीज ये है कि हम अभी के जो बच्चे हैं ना, उनका ऐसा ना कि प्रोफेशन चेंज होते रहता है, कभी किसी को क्या बनना है, कभी किसी को क्या बनना है, किसी किसी चीज में टैटूज अलाउ है, किसी में नहीं है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ट्राई कीजिए कि अबाउ आप 18 के बाद ही ये डिसीजन ले। अच्छा, मतलब पेरेंट्स छोटे बच्चों को लेकर आते हैं आपके पास कि आप इसका ये टैटू बनाइए? मना कर देती हूँ, नहीं हो पाएगा। आप अभी ये ग्रो कर रहे हैं ना, तो अभी इनको टैटूज नहीं कराना है। हाँ, टेम्परेरी हम लोग कर देते हैं, जो 8-10 दिन वाले टैटूज होते हैं ना, वो कि ठीक है, इच्छा भी पूरी हो गई और आप भी कराना एक बार टेम्परेरी, कम से कम 10 दिन वाला, तो उसमें पेन भी नहीं होता। पेन भी नहीं होता ना। चलो देखो मैं कितना इंस्पायर हो जाती हूँ। सो लाइक दिस इज कमिंग अप, टैटू इंडस्ट्री इज कमिंग अप एज अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री। मतलब आप नोट छाप रहे हो? हाँ, छाप रहे हो ना? पैसा है बहुत सारा। गुड गुड गुड। तो मैं जस्ट आपसे जानना चाहूंगी कि जो बिगनर्स हैं, वो आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, यू नो, जिनके अंदर वही वाला कीड़ा है जो आपके अंदर है, कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ, तो कैसे आप किस तरह से उनको गाइड करते हो, आप कैसे उनको समझाते हो कि यार यू शुड स्टार्ट लाइक दिस? पहली चीज तो आप जिसे चाहो ना, उसे पालो पूरी तरीके से, आप उसमें एकदम घुस जाओ। पैसे का बिल्कुल मत सोचो, आप कमाने का बिल्कुल नहीं सोचोगे। अगर आपको वो चीज चाहिए ना, आपको आगे बढ़ना है ना किसी चीज में, तो सिर्फ इन्वेस्ट करो, रिटर्न की मत सोचो। रिटर्न आएगा, आज नहीं आएगा, 5 साल बाद आएगा, पर आएगा। जैसे मेरे पास, मैंने हाँ स्टार्टिंग में बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया कि यार ये तो बच्ची कुछ भी बोलेगी तो इसके बोलने पे थोड़ी हम इसको टैटू स्टूडियो खोल देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 7th-8th standard में तो है अभी है। तो मैंने तो बहुत, मैंने सबसे पहला स्ट्रगल मैंने घर में ही किया है कि प्लीज मुझे करने दो। मुझे करना है क्योंकि मैं कहीं पे अगर रेंट के लिए शॉप मांगने जाऊंगी तो मुझे कोई देगा क्या? मुझे कौन देगा यार? 9th class में जो पढ़ रहा है उसको बोलेगा चलो यहाँ से, चुपचाप पढ़ाई करो जाके। तो यही हुआ था मेरे साथ। मैंने ना स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स को बहुत बोला था कि मुझे नहीं पता, मुझे शॉप चाहिए। मेरे घर में बहुत चिक चिक, बहुत कलेश होते थे इन चीजों को लेकर कि ये कैसी बातें कर रही है, इसको पढ़ना चाहिए अभी और इसको शॉप चाहिए रेंट पे। और मैंने ली शॉप मेरे स्कूल के पास में, पापा ने दिला दी। हाँ, पापा ने तो क्या, मम्मी ने पहले, मम्मी ने बोला चलो ठीक है आप बोल रही है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर। मैंने बोला आपका सारा डिपॉजिट भी रिटर्न करूंगी, मैं सारी चीजें रिटर्न करूंगी, बस मुझे ये शॉप दिलवा दो आप। तो उन्होंने दिलवाई, मैंने किया। देन फिर सारी चीजें की, काफी टाइम तक कोई कस्टमर्स नहीं आते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था ना कि यार टैटू मतलब क्या है ये, कोई ऐसे एज अ प्रोफेशनल ही किसी को पता नहीं था उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था कि टैटू भी प्रोफेशनल वे में होते हैं। सबको ये पता था ना वो गोदना है, मंदिर के बाहर जो बैठ के बनाते हैं वही टैटू होते हैं। बट ऐसा नहीं है, हर चीज में ना एक दो वे होते हैं, एक अनप्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल। ठीक है, तो मैंने उस चीज को थोड़ा प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट किया। तो उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुश्किल से महीने में 1-2 क्लाइंट्स आते थे,
और कभी कभी तो आते भी नहीं थे पूरा पूरा महीना। हाँ पूरा पूरा महीना आते भी नहीं थे, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैंने मुझे यही करना है, मैं यही करूँगी। फिर उसके बाद धीरे 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 अभी इतने क्लाइंट्स आने लग गए ना, मुझे मना करना पड़ता है, यार आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज नहीं हो पाएगा, आज मेरे आर्टिस्ट भी बिजी है, आज नहीं हो पाएगा। अभी ऐसा हो गया है कि एक एक हफ्ते पहले हमारे स्टूडियो में अपॉइंटमेंट बुक होता है। ग्रेट। पहले हम वेट करते थे, बहुत बड़ी अब हमारा वेट करते हैं। कर्मास, डेस्टिनी, ये सब होती हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला रिटर्न का ऐसा होता है ना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप इनकम की बिल्कुल मत सोचो, पहले उस चीज में घुस जाओ शिद्दत से, आप कर दो, फिर उसके बाद अपने आप ही सारी चीजें आएगी। Right. So that is the main thing. तो अगर हम इसको professional angle से देखें, जैसे होता है ना कि suppose if I want to go for engineering, मुझे एक अच्छे से अच्छा IIT अपना चाहिए, college चाहिए, या मुझे मैं NEET के लिए fight कर रही हूँ, right? या मुझे civil services के लिए, तो उसके लिए एक direction होता है कि यार बेटा graduation तो करना ही करना है, या बेटा आपको 12 के बाद ये वाला form तो भरना ही भरना है। टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए तो लगा ही है, इंडियन पेरेंट्स ने लगा के रखा है, आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ाई भी ठीक है करनी चाहिए, लेकिन आप आपकी एक्टिविटीज और क्रिएटिविटी को पढ़ाई के पीछे नहीं झुकाना है। एग्जैक्टली। तो टैटू आर्टिस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब अगर मुझे कोई माय डॉटर शील ग्रो अप एंड शील से कि मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, तो हम क्या करें? मतलब 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करना चाहिए हमको? हमारा एकेडमी है, आप ज्वाइन करवा दीजिएगा। ओ हम सिखाते भी है कोर्स। दैट्स ग्रेट। तो मतलब उसमें आप लाइक किसी भी एज, कुछ एज रहता है एज बार आप लोग का? मैंने खुद ने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है, तो मैं तो यही, वो तो नानी के जीन्स आए ना आपके अंदर। बच्चा जितना छोटा होता है ना, वो उतनी जल्दी चीजें सीखता है, तो हम लोग यही बोलते हैं, जैसे आप छोटे बच्चों को कैसे स्कूल में डालते हो ना, वैसे ये भी स्कूल ही है एक। तो आप इसमें कोई एज नहीं होता है कि इतने साल का बच्चा है तो हम इनको कोर्स में रखेंगे, ऐसा नहीं है। हम उनको मशीन पकड़ाना सिखाएंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक साल में आपका बच्चा प्रो हो जाएगा। ओके, सो दैट इज जस्ट कि आपको एक प्रोफेशनल के अंडर प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटलीस्ट फॉर अ ईयर बहुत जरूरी है। और आप ऐसे किट मंगाकर या कुछ भी घर में बैठकर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बहुत अनसेफ है। और स्किन डिजीज हो सकती है। वो बोलते हैं ना, आप अगर कुछ कर रहे हैं, आप माना आप बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, बट आपके पास एक गुरु होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यही चीज इसमें भी होती है कि आप गाइडेंस में आकर ये चीजें करें, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, प्रोडक्ट यूज होते हैं, स्किन नॉलेज दी जाती है, एक प्रॉपर जो डर्मा वाला सीन होता है ना, वो सब कुछ होता है इसमें। तो ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं। बेसिकली इफ आई से, मतलब मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है इसमें या पूरा मिथ ही है, आई डोंट नो, बट देयर वर फ्यू थिंग्स जिन्होंने मुझे बहुत स्ट्राइक करा। लाइक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, तो मैंने पढ़ा था कि एक रिसर्च करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन ने। ओके, उसमें ये बताया गया कि जो टैटूज बनवाते हैं, स्पेशली कलर टैटूज, उसमें जो कलर्स यूज किए जाते हैं वो आपके कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि क्रोमियम होता है, कोबाल्ट होता है, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, इनसे कैंसर भी होता है, एंड दैट ब्लड कैंसर भी इससे। 21% चांसेस ज्यादा होते हैं उनमें जिन्होंने ये इस तरह के कलरफुल टैटूज बनाए होते हैं। बट यू हैव टू से अबाउट एक्चुअली क्या होता है ना, जो टैटू होता है वो सेकंड लेयर में बनता है, और जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ओके, तो उसमें वो इंक जाता है, ठीक है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल में इंक जाती है, इंक जाता है, ब्लड में नहीं जाता है, व्हाइट ब्लड WBCs के अंदर जाती है, हाँ, ऊपर ही रहता है वो। तो उसमें क्या होता है, आपके प्रोडक्ट पे काफी डिपेंड करता है, आप कौन से आर्टिस्ट से बनवा रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं ना, अरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे कंपेयर करते हैं ना कि वहां तो रेट्स इतने कम है, आपके रेट्स इतने ज्यादा क्यों है, तो वही क्वालिटी होती है कि आर्टिस्ट जितना एक्सपीरियंस होता है वो उतना चार्ज करता है। भाई वो उतना चार्ज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उतने कॉस्टली यूज कर रहा है। अब जैसे भी हमारी इंक होती, आपने बताया कि इंक से ये होता है, ठीक है, तो वो होता है, वो सही है, अगर बैड क्वालिटी की इंक हो तो। FDA अप्रूव्ड होती है इंक, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इंक होती है, तो वो कौन यूज करेगा, जो अच्छा आर्टिस्ट है, जो अपने रेट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छे यूज कर रहा है।
तो आपके स्किन में कुछ होने के चांसेस है ही नहीं फिर तो. अगर आप लो क्वालिटी चीप क्वालिटी के आर्टिस्ट के पास जा रहे हो और आप रेट कंपेयर कर रहे हो कि अरे वहां पे तो इतना सस्ता है, मतलब यहाँ 5,000 का है तो वहाँ 500 का है, हाँ है ना? ये बहुत डिफरेंस है और ये होता है, ये वाकई में होता है. बट लोग ये नहीं देखते हैं कि वो 500 वाला जो है वो भाई प्रैक्टिस कर रहा है, वो अभी नया नया है, उसको 6 महीना हुआ है सीखे हुए, उसने घर में किट ला के ही सीखा है. आपको क्या पता, आपने उसका सर्टिफिकेट देखा नहीं देखा, आपने आर्टिस्ट के बारे में स्टडी किया नहीं किया. तो टैटू डिजाइन के साथ साथ आर्टिस्ट के बारे में भी स्टडी करना बहुत जरूरी है कि जिसके पास हम जा रहे हैं. अब आप एक चीज बताती हूँ, डॉक्टर है ओके, तो आपके लिए बेस्ट डॉक्टर देखेंगे ना कि जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है मैं उसी के पास जाऊंगा. आप देखोगे क्या 500 वाली फीस है या 1500 वाली फीस है, आप पहले ये देखोगे ना बेस्ट डॉक्टर के पास जाऊंगा, फीस जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है. तो वैसे ही आर्टिस्ट में भी होता है भाई, वो आपके स्किन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको आर्टिस्ट के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है कि वो आर्टिस्ट कितना एक्सपीरियंस है. अब मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझसे भी अच्छे आर्टिस्ट है जिनको 30 इयर्स 40 इयर्स के एक्सपीरियंस है, तो जो मैं चार्ज करती हूँ ना वो चार्ज करते हैं. जब मैं उनकी एज पे आऊंगी उनके एक्सपीरियंस पे आऊंगी ना तो मैं भी उनसे डबल चार्ज करूंगी, क्योंकि वो मेरा हक है, मैंने इतना दिया है. जो चीज मैंने 15 सालों में सीखी है ना वो चीज मैं किसी को भी 1 घंटे में सिखा सकती हूँ ओके. तो वही चीज हो जाती है उसमें कि आप एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के पास जाओ. आप एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के पास जाओगे तो वो प्रोडक्ट आप पे वैसे वाले यूज करेगा जिससे आपको कोई स्किन डिजीज होने के चांसेस नहीं है. तो वही ये देखिए, राइट चॉइस इज द सोल्यूशन. स्टडी बहुत जरूरी है हर चीज को लेकर, हर चीज, क्योंकि मैं भी अगर कोई टैटू बना रही हूँ ना तो पहले मैं उसको स्टडी करती हूँ, मैं उसका स्कैन करती हूँ पूरा. ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरे पास से डिजाइन लेके आया कि मैम ये बना दो. अगर वो कोई डिजाइन लेकर आया है, दूसरे आर्टिस्ट ने गलती की है इमेज में, मैं थोड़ी उसको कॉपी पेस्ट करके सेम गलती करूंगी. मैं उसको रिक्रिएट करूंगी कि नहीं यार, उस आर्टिस्ट ने ऑलरेडी गलती की हुई है. अब ये क्लाइंट को नहीं पता है, छोटी छोटी चीजें तो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट ही देखता है ना, तो हम लोग यही चीजें देखते हैं. हमारे डिजाइन में जो इतनी फिनिशिंग होती है, सारी चीजें होती है, वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि हम डिजाइन को रिक्रिएट करते हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं. यस डेफिनेटली, जहाँ मेहनत है तो पैसा तो लगेगा. हाँ, फिर एक और चीज हो जाती है ना, क्लाइंट को ऐसा लगता है यार वो वाला आर्टिस्ट तो आधे घंटे में टैटू बना रहा था, आप तो ज्यादा टाइम ले रहे हो, आप 2 घंटे क्यों ले रहे हो? तो आप ये भी तो देखो, वो आर्टिस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा था और हम लोग आपके डिजाइन को रिक्रिएट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, प्लस हम आपको ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये डिजाइन की जगह ये वाला डिजाइन लो, ये ज्यादा अच्छा है. मीनिंग दोनों के सेम ही है बट डिजाइनिंग डिफरेंट है. और हमारे खुद के ओन क्रिएटेड डिजाइन्स होते हैं, हम थोड़ा कम ही गूगल से उठा के कॉपी करते हैं. अच्छा, तो वो ये एक आपका USB है. यस, है ना, दैट यू आर क्रिएटिंग योर ओन डिजाइन. हम सीधा बोल देते हैं आपके पास टाइम है ना तो आप हमको थोड़ा और टाइम दे दीजिए और आप थोड़ा बैठ जाइए, टी कॉफी लीजिए, तब तक हम कुछ अच्छा सा आपके लिए क्रिएट करते हैं. ओके, ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज लगी. मतलब मुझे कि इट्स नॉट कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप अपने क्लाइंट्स को रख रहे हैं, बट इट्स कि आप उनको बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं. तभी वो रिटर्न आता है ना. तभी हाँ, तभी तभी मतलब कि आप उस लेवल पे पहुंच सके हैं, इजंट इट, मतलब जो आपकी 15 इयर्स की मेहनत है. सो लाइक जो मैंने आपको बोला, कलर टैटूज आर रियली हार्मफुल, बट देन यू हैव टोल्ड मी अ गुड रीजन ऑल्सो कि आपको किस तरह से जाना चाहिए. या उसमें भी कलर टैटू में भी 2 टाइप के कलर टैटूज होते हैं. एक बेसिक कलर टैटू जैसे ब्लैक होता है, व्हाइट होता है ना, वैसे ही नॉर्मल कलर टैटूज होते हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये सब डाले जाते हैं उसमें. एग्जैक्टली, बट कलर की एक और कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं नियॉन कलर्स, जो कि शाइनिंग, जो काफी सारे अभी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास में, बोलते हैं हमको ग्लोइंग वाला टैटू बनाना है, जो डस्क लाइट, मतलब दिन में ना दिखे, सिर्फ डिस्को लाइट में वो विजिबल हो, शाइन करे. अच्छा, वो वाले जो कलर्स होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं. मतलब हर किसी, ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी के लिए वो एक जैसा रिएक्ट करते हैं, किसी को रिएक्ट करते हैं, किसी को नहीं करते, बट 99% वो रिएक्ट करते हैं. अच्छा, तो नियॉन टैटूज आर हार्मफुल. यस, तो कलर में 2 कैटेगरीज है, एक बेसिक कलर्स और एक नियॉन कलर्स. तो नियॉन कलर्स के लिए हम लोग थोड़ा अवॉइड करने को बोलते हैं, वो स्किन डिजीज करते हैं. अदरवाइज दे आर सेफ. आप राइट तरीका फॉलो करो, सही इंसान के पास जाओ. यस, आफ्टर केयर फॉलो करो, राइट, पोस्ट केयर फॉलो करो, देन फिर आप आपके टैटू को इजीली एंजॉय कर सकते हो. सेकंड चीज जो एक रही, एक ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए भी, लाइक वी से कि इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेंस सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उसमें फिर यही बोला जाता है कि टैटू नहीं होना चाहिए.
डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले प्रोफेशन में जा रहे हो. गवर्नमेंट में भी काफी टाइप के सेक्टर्स होता है ना, तो किसी में फिजिकल एग्जाम्स होती है, किसी में नहीं होती है. कोई कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती है. तो जिसमें फिजिकल एग्जाम्स नहीं होती है ना, उसमें आप पहले से टैटू बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो बट वहाँ पे फिजिकल एग्जाम्स होती है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको पूरा स्कैन किया जाता है, आपकी बॉडी पर टैटूज नहीं होना चाहिए. तो उसके काफी सारे रीजंस है कि ये एक मार्क है, आपको कहीं लड़ने के लिए भेज दिया तो उनको किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी बॉडी पे ये मार्क है, तो आप इस धर्म से बिलोंग करते हो या आप उस कैटेगरी से आए हो. इस टाइप के और काफी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट भी है जो अभी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, जैसे नेवी में है कुछ जो काफी अच्छी पोस्ट पे है, वो आप टैटू बनवा दे. आफ्टर ज्वाइनिंग आप बनवा सकते हो, बट वो भी यूनिफॉर्म के अंदर होने चाहिए. हिडन मतलब विजिबल नहीं होने चाहिए. काफी सारे पुलिस भी है, फीमेल और मेल दोनों, जो मुझसे टैटू बनवाते हैं अभी इंदौर के काफी सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, वो सब अभी टैटू बनवाते हैं. टैटू बनवाते बट बिफोर ज्वाइनिंग नहीं होता है. नहीं होता, और वो चीज के लिए हम भी मना करते हैं. और इसीलिए अभी आपने शुरू में भी बोला कि हम बोलते हैं कि भैया 18 प्लस के बाद ही आना. एग्जैक्टली, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो कि भैया करना क्या है मुझे आगे. उसके पहले तो हमारा माइंड घूमता रहता है ना. अब सब मेरे जैसे तो नहीं है ना कि सेवंथ में फाइनल कर लेंगे मुझे टैटू आर्टिस्ट ही बनना है. सबके चेंज होते रहते हैं कि नहीं, कभी किसी को डॉक्टर बनना होता है और पेरेंट्स को इंजीनियर बनाना होता है. तो ऐसे चेंज होते रहता है प्रोफेशन. बिल्कुल बिल्कुल. नाउ इसी में ही एक और जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा, दैट इज रिलेटेड टू द पेन, है ना. मतलब इसमें तो मुझे बहुत हंसी आती है. बहुत मतलब लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया है जैसे पता नहीं क्यों सर्जरी कर रही हूँ मैं. ऐसा नहीं होता. एग्जैजरेट करा हुआ है आपको ऐसा लगता है. मुझे ऐसे ही लगता है. और सबसे मेन चीज ना, हम लोगों का एक सेटअप होता है जब हम टैटू करने के लिए बैठते हैं ना, तो वहां पे हमारे ग्लव्स होते हैं, ओके, और हमारी मशीन्स होती है, नीडल्स होती हैं अलग-अलग साइज की. तो पता है देखने का नजरिया क्या होता है, जैसे चाकू रखा हुआ है, छुरा रखा है, तलवार रखी हुई है, ऐसी नजर से देखते हैं ना कि हम लोग ऑपरेशन ही कर डालेंगे. भाई वो वैसा कुछ नहीं होता है. एक वैक्सिंग और थ्रेडिंग से भी कम पेन होता है टैटू बनाने के लिए. और अभी काफी सारी ऐसी चीजें आ चुकी है कि नंबिंग वगैरह करके और हम लोग टैटूज कर देते हैं. और फिर एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है. जैसे डॉक्टर वाला मैं बताती हूँ फिर से, एक इंजेक्शन लगाएगा तो उसके हाथ से कम पेन होगा, और जो बिगनर लगाएगा उसके हाथ से ज्यादा पेन होगा. ऐसा होता है ना, हम लोग कहीं कहीं जाते हैं यार ये वाले डॉक्टर के हाथ से तो ज्यादा पेन हुआ था और ये वाले डॉक्टर के हाथ से नहीं हुआ, पता भी नहीं चला इंजेक्शन लग गया. वैसे ही एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ होता है, वो आपका काम कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है. और जो बिगनर होते हैं ना, वो तो थोड़ा घिस देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि सामने वाले को भी पेन हो रहा है. तो मतलब आपने भी बिगनिंग में कुछ कुछ काम करे होंगे ऐसे. मैंने तो रात रात भर बैठ के खूब प्रैक्टिस करी, बहुत बहुत बहुत. सो आई वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पेन, कि बहुत पेनफुल होता है. मतलब आई जस्ट शेयर वन थिंग, मतलब मेरा एक टूथ था पीछे वाला. मतलब आप पता है ऐसे डरते गापते हिलहिलाते वाले टाइप के लोग हो. हाँ. नहीं, मैं ऐसी भी नहीं हूँ. मतलब नहीं, डर मैं डेयरिंग भी बहुत हूँ. मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने एक सांप पकड़ा है. लिटरली मैंने सांप पकड़ा है. एक और थे मेरे साथ में कोई, मेरे सारे घर वाले पीछे थे एंड आई वॉज देयर. ओ माय गॉड, है ना. मैंने वो सांप को पकड़ा है किसी के साथ में, मतलब आई वॉज अ हेल्पिंग हैंड, बट पूरा मैंने सांप पकड़ा है. मैं ऐसे बहुत डेयरिंग हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अबाउट प्रोबिंग समथिंग की सुई घुसाओ, ये आप किस टाइप से डरने वाले लोग. मैं वही बोल, मतलब मैं कह रही हूँ डेंटिस्ट के पास जाना वाज अ बिग ट्रॉमा फॉर मी. मतलब 5 साल तक किस चीज का डर है. अरे टैटू आर्टिस्ट है, ये निडल छुपाएंगे वो कितना पेन होगा, आपको वो वाला डर है. तो बिल्कुल है वो वाला, तो है वो वाला डर. और सबसे बड़ा डर मैं बता देती हूँ, मैं उनमें से हूँ कि शायद मैं मोटिवेट हो जाऊं, मैं कल आपके पास आ जाऊं, चेयर पे बैठ भी जाऊं और आधा टैटू बना के भाग भी जाऊं. नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी. आप सीरियसली, मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मैं आपको स्टार्ट करूंगी ना, तो आप बोलोगे ये सर बस इतना ही पेन होता है. ओ माय गॉड, मैंने तो ये पता है दिमाग का मिथ होता है एक, मतलब मेंटेलिटी होती है. हम हमारे माइंड को जैसे प्रिपेयर करते हैं ना, वो वैसे ही प्रिपेयर होता है.
तो टैटू का वैसे ही होता है. अब जैसे कुछ कुछ लोग हैं, आपने मुझे अभी थोड़ी, मतलब बिना कैमरे के अभी हमारी थोड़ी सी बातें चल रही थी कि मेरे हस्बैंड और मेरे जो कॉलीग्स हैं वो टैटूज बना रहे थे, तो उनको देख के और इतना पेनफुल एक्सप्रेशंस वो दे रहे थे, मतलब मैंने कहा यार, और मैं इतनी खुश थी ना कि टैटू बन गया. यस, आई वाज ऑन द सेवंथ वर्ल्ड यू कैन से, मतलब ऊपर बिल्कुल आसमान में थी मैं कि मैं टैटू नहीं बनवा रही हूँ. ये सब बना रहे हैं, मतलब आई वाज सिटिंग इन द टैटू स्टूडियो, कम से कम हम 2 घंटा करीब बैठे थे. बच्चा पार्टी वाज विद मी, तो मैं इनको बाहर ले जा रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, और ये सब बैठ के टैटू बना रहे हैं. इनको दर्द हो रहा है, इनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं. मैं बोल रही हूँ दर्द हो रहा है, ये कह रहे हैं हाँ, और मैं इतनी खुश कि मैं टैटू नहीं बनवा रही हूँ. मतलब मैं इतनी खुश थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको. सबका बियर करने का ना एक कैपेसिटी अलग होता है, मतलब सबके बॉडी टाइप्स अलग होती है, तो सबको पेन भी डिफरेंट लेवल पे होता है. किसी को ऐसा लगता है ना बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी को बहुत कम होता है, किसी को होता ही नहीं है. मेरे पास हर टाइप के लोग आते हैं. साथ वाले 2 लोग हैं, एक बोलता है अरे तू तो इतना चिल्ला रहा था यार, कितना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, बट मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है. कभी कोई चेयर से भागा उठ के? नहीं, कभी नहीं. पता है क्या होता है ना, हम हमारे माइंड को, जैसे मैंने आपको बताया, हम हमारे माइंड को जैसे प्रिपेयर करते हैं, हमें चीजें वैसे ही दिखने लगती है, होने लगती है, फील होने लगती है. आई अग्री विद यू, साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाँ, तो आप अगर खुद को ऐसे प्रिपेयर करोगे ना कि नहीं ये तो मैं कर सकती हूँ, बस नॉर्मली तो है, मैं तो हर महीने थ्रेडिंग करवाती हूँ, वैक्सिंग कराती हूँ, तो उससे तो कम ही है ये पेन, तो आप वो चीज करवा सकते हो. तो मैं अभी आपको कन्विंस कर रही हूँ, आप समझो मेरी बात को. थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ, आप थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराते हो, उससे काफी कम पेन होता है, इसमें होता है. अब एक और चीज है, मतलब दैट साउंड्स ऑकवर्ड टू मी, आपको बहुत नॉर्मल लगता होगा. हाँ. मतलब लोग आईलिड्स के ऊपर भी टैटू बनवा रहे होते हैं, ऑन द टंग, इवन इनसाइड द माउथ. या मैंने बनाए भी है काफी सारे. काफी सारे बनाए आपने? काफी सारे बनाए मैंने, एंड आई स्वेयर आई वाज डिस्कसिंग दिस. आप अटैच कर देना वीडियो इस पॉडकास्ट में, मैं आपको शेयर करूंगी वो वाली. बिल्कुल, क्योंकि मैंने डिस्कस करा, तो व्हाट माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी कि नहीं नहीं ऐसा वाला टैटू नहीं बनाया होगा उन्होंने. मैंने कहा पूछ तो लेंगे, पूछने में क्या जा रहा है. तो बनाया है टैटू ऐसा वाला भी आपने? बनाया है मैंने. कि मतलब यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, मतलब बेचारा मुंह खोल के कितनी देर बैठा रहा. मैंने मेल फीमेल दोनों को टैटू बनाया, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप वीडियो में देखेंगे. 2 लोग होते हैं ऐसे पकड़ने के लिए, आ करके बैठो आप, एंड यू वर्क ऑन. हां, और मुझे वर्क करना होता है. और डर आपको कितना लग रहा होता है? बस सुई थोड़ी ज्यादा अंदर चलेगी तो. मुझे डर पता है किस चीज का लगता है, कि ये सामने वाला झटके से अपना ऐसा ना कर ले, फिर नीडल इधर उधर ना लग जाए. मुझे काम करने के लिए डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है. मैं बहुत प्रिपेयर रहती हूँ और उस चीज के लिए ना मैं रेडी रहती हूँ. और मुझे पसंद है इस टाइप के टैटूज करना, मैं चाहती हूँ कि ऐसे टैटू. आपको पता है आईबॉल टैटू भी होता है, आईबॉल्स के ऊपर? यस, वो जो व्हाइट वाला जो है ना हमारा पार्ट, उसको ब्लैक करते हैं, ब्लू करते हैं, पिंक करते हैं, ग्रीन करते हैं, कलर्ड करते हैं. ये करा है आपने? ये यहाँ नहीं होता है, काफी रिस्की है. इसका जो नीडल होता है, इंजेक्शन वाला जो नीडल होता है ना, वैसा वाला नीडल होता है उसका, और वो काफी रिस्की होता है. अगर उसने जरा सा भी ऐसा ब्लिंक किया तो फूट गई आंख. तो उसके लिए पता है क्या होता है ना, वो काफी कॉस्टली होता है, और पूरी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है. वो कंसेंट फॉर्म होता है एक, हम फिल कराते हैं वो. आप अगर करा रहे हो तो पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपको ये बिफोर वाला जो केयर है, जो प्री एंड पोस्ट वाले केयर है, वो हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करवाते हैं क्लाइंट को, अगर इस टाइप के कोई टैटूज होते हैं तो. तो इंडिया में तो इतने ज्यादा आईबॉल टैटूज नहीं है, बट आईलिड्स और इनसाइड द माउथ, ये सब आपने? हाँ, ये भी किया है. और टैटू में परमानेंट लिप कलर, किसी को एक शेड चाहिए होता है, या कोई बहुत चेन स्मोकर होता है, उसके लिप्स काफी ज्यादा डार्क हो चुके होते हैं, तो वो भी हम थोड़े से कलरिंग करके लाइट पिगमेंट करते हैं. आई लैशेस, किसी को लाइनर लगाना पसंद होता है, या किसी का ऐसा होता है ना कि एक जैसा नहीं लग रहा है दोनों तरफ, तो हम आई लाइनर ड्रॉ करते हैं, ब्रॉज ड्रॉ करते हैं, फेस टैटू होता है वो, उसको फेस टैटू बोलते हैं. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. यस, आई शुड नो, इजंट इट? मतलब आपने वाकई में ऐसी ऐसी फैसिनेटिंग फैक्ट्स आपने बताए हैं, मतलब मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि कोई किस टेम्परामेंट से, किस मेंटालिटी से आपके पास आता है और बोलता है कि यार मुझे टैटू बनाना है आँख के ऊपर और इधर और उधर,
मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो एज यू सेड मतलब पेन तो होगा isn't it? थ्रेडिंग से कम, वैक्सिंग से भी कम. से वैक्सिंग से कम होगा, बस हल्का फुल्का, हल्का फुल्का तो होगा थोड़ा सा. अरे ऑब्वियसली आपके सेकंड लेयर में कुछ पोक हो रहा है तो वो तो ऑब्वियसली होगा. आपको पता है इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाते हैं वो सेवन लेयर में जाता है और हम तो फिर भी सेकंड में काम कर रहे हैं ना, तो कम पेन होता है. कम होगा, कम होगा. इंजेक्शन तो लगे मुझे, काफी सारे लगे. So, मैं बोल रही हूँ ना, आप आ जाओ बस, आपको नहीं होगा. मतलब ऑल आई वॉन्ट टू से कि आपसे जितना भी कॉन्वर्स मैंने अभी तक करा, मुझे दो चीजें याद आई. एक तो मेरे बचपन का कार्टून कैरेक्टर पॉपाय द सेलर मैन. समझ गई थी मैं. समझ गए थे आप? क्या समझे आप मुझे बताओ. वो तो बचपन की चीज है, उसका टैटू. यस हाँ, वो उसका टैटू नहीं है, मतलब वो पालक खाते खाते अपना ऐसे पोज देता है तो उसके वो जो मीनिंगफुल और लॉयल्टी वाले टैटूज दिखाता है तो फिर यस मतलब टैटू स्टैंड्स फॉर लॉयल्टी बट याद है. हाँ मतलब लॉयल्टी और एक वो ट्रू फ्रेंडशिप होता है ना कि यस मतलब कुछ भी हो जाए आई एम विद यू. हाँ दैट इज टैटू. वही मैंने आपको बोला था ना कि टैटू बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत रिलेटेबल होता है खुद से. तो डिजाइन ऐसे कराओ कि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो. और मुझे एक और चीज लगी साथ में, बताऊं उसके जो सारे स्पिनिक कैंस थे ना, जो उसके सारे जिसमें पालक भर के उसने रखे थे, वो सारे तो आपने चुरा लिए. मतलब वो सारे आप खा कर आए हो विद सो मच ऑफ एनर्जी. एंड वन मोर एक और आपको याद होगा, एक और कैरेक्टर जो काफी हाईलाइट में था, मार्लबोरो मैन की जो पैकेट में. यस यस कूल कूल एकदम. हाँ वो उसको भी बहुत कूल सा दिखाया है. तो टैटू के टू वेज होते हैं. एक तो लोगों के नजरिए में होता है कि एक टैटू बनाने वाला कैसा दिख रहा है. एक एक देखता है इंसान उसको वो बहुत कूल दिख रहा है, और दूसरा दिखता है छी यार ये कितना चीप होगा, ये बहुत वल्गर. हाँ वो ये करता होगा, वो करता होगा, ये अपने टाइप का नहीं है. तो कैटेगरीज होती है देखने वालों की भी और करवाने वालों की भी. तो वो जो था ना वो एक कूल वे में माल हो रहा हूँ, मतलब एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसकी चीज की. तो वहां पे वो जो ब्रांड है वो अपने आप में ही एक अलग ब्रांड है, तो उसको ऐसे ही बंदे चाहिए ना जो कूल हो. बट उसके जो टैटूज थे वो काफी मीनिंगफुल थे, ओल्ड स्कूल टैटूज बोलते हैं जिसे, और ट्राइबल माउरी टैटूज जो होते हैं उस टाइप के डिजाइन होते हैं. तो जो उन्होंने जो भी टैटूज बनवा के रखे थे ना अपनी बॉडी पे, वो सब कुछ रिलेट करते हैं खुद से. एक सिंबल हो गया, स्ट्रेंथ का सिंबल हो गया, या फ्लावर हो गया, और अपने जोडियक साइंस हो गए, इस टाइप के टैटूज थे. मतलब भाई जो आपने बिगनिंग में बोला, अगेन वी कम बैक टू इट. यस टैटूज आर परमानेंट. आप कितना भी कुछ भी करेंगे ना तो वो घूम के वही बात आने वाली है, क्योंकि वो चीज है ही, वो इट्स परमानेंट. हाँ है ना, तो सोच समझ के टैटू बनाओ. हाँ सो लेट्स सी कि कौन कौन टैटू बनाता है. आप तो आने वाले हो सच में. मैंने आपको कन्विंस कर दिया, मुझे फील हो रहा है. मतलब परमानेंट नहीं भी बनाऊं तो टेम्पररी तो बना ही लेंगे, कुछ तो बनाएंगे. जस्ट टू गो विद है ना, जस्ट टू बिगिन विद. सो लाइक ऑलमोस्ट सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत अच्छा रहा, right? मजा आ गया. हाँ मजा आया. एग्जैक्टली आई विल से दिस. So I just want कि ऐसी कुछ मजेदार सा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए. सबसे बेस्ट मैसेज तो एक ही है मेरे लिए कि हमको पता है हमें लाइफ में क्या करना है, तो उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो, किसी की मत सुनो. मेरा तो एक ही ऑल इज वेल वाला जो एक डायलॉग है, सुनो सबकी, करो अपने मन की. ओके तो वही करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. तो जो करना है वो कर डालो. राइट. क्लास 9th में अपना टैटू स्टूडियो खोल डालो. Seriously. So Anu, thank you so much. Supriya, nice to talk to you. मुझे बहुत मजा आया आपके शो में आके. चलिए बहुत ही ज्यादा मजा आया. हाँ नहीं नहीं, बस मेरा यही एम रहता है कि जो भी आए बहुत खुशियां लेकर आए और खुशियां देके भी जाए सबको. So thank you so much for being with us. And there's a beautiful message आपके लिए. आप एक बार रीड कर लीजिए उसको. हाँ सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. क्या लिखा है? इंक. इंक इज द हार्ट बीट ऑफ द आर्टिस्ट सोल. वाओ ग्रेट. आपके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो दिस वॉज आर टूडेज कॉन्वर्सेशन विद अंजलि राठौर. आप सबने देख लिया है कि कितना इंटरैक्टिव था, और डेफिनेटली मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो थे उनका आंसर भी मुझे मिला. एनर्जी वॉज बबलिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर. आई हैव थरली एंजॉयड इट and learned a lot.
सेम आई वॉन्ट कि आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आए. आपके भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू टैटू वर्ल्ड, आई बिलीव वो भी बहुत दूर हुए होंगे जैसे कि मेरे आज हुए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. दिस इज सुप्रिया फ्रॉम कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज आई ऑलवेज से अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा थ्रू द कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.